मित्रों नमस्कार। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए देखते हैं अजात शत्रु में कौन सा समास है। मित्रों अजात शत्रु अर्थात जिसका इस धरती पर कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो ये एक विशिष्ट शब्द है। तो मित्रों विशिष्टता के अर्थ में हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। विशिष्टता के अर्थ में हमेशा कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। मित्रों चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य के रचनाकार कौन है? तो मित्रों गजानन माधव, जिन्हें कहा जाता है मुक्तिबोध। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मित्रों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो मित्रों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, इसमें कौन सा अलंकार है? मित्रों सम सो सरी समान सी, ये वाचक शब्द आपको जहां पर दिख जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। करेक्ट आंसर आपका डी सही होगा, उपमा अलंकार। सम सो सरी समान सी, जहां पर आपको दिख जाए वहां आपका उपमा अलंकार होता है। उल्का सी, सी यहां पर उल्का और रानी के बीच में सी शब्द, ये वाचक शब्द आपके हैं उपमा अलंकार के। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करति में आपका उपमा अलंकार है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह किसका सूत्र है? मित्रों आचार्य भरत मुनि का सूत्र है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, इनकी एक पुस्तक है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में इन्होंने लिखा है विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मित्र इस प्रकार विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति, ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों निम्न में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन आपका है वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, इसका हिंदी में अर्थ होगा वाहन पर आरूढ़। मित्रों में पे पर वो निशान है आपका अधिकरण का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आइए देखें पापी में कौन सा विशेषण है? पापी संख्यावाचक नहीं, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है। सर्वनाम, क्योंकि ये सर्वनाम भी नहीं है इसलिए सर्वनाम विशेषण भी नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण, मित्रों ये गुणवाचक विशेषण पापी में गुणवाचक विशेषण है आपका सी, आंसर आपका सी। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मित्रों राइट आंसर आपका सी सही है, अभित धन्ना, क्योंकि यदि किसी अनुनासिक वर्ण से पहले कोई भी वर्ण आता है तो वह अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। इस प्रकार से ता की जगह पर ना होगा और तप हलंत लगा हुआ है, इसलिए अभिन्न रूप आपका सिद्ध होता है। अभित ता पर हलंत लगा हुआ है और आगे ना है तो अभिन्न रूप आपका सिद्ध होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। मित्रों बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। तो मित्रों इसमें ऑप्शन टू यानी बी विकल्प सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं। यदि दो से अधिक शब्द अलग अलग लिंगों में होते हैं तो क्रिया, क्रिया जो है अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार चलती है, लेकिन यहाँ पर ये दो ही शब्द हैं अलग अलग लिंगों में, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हुए चरते हैं क्रिया बनी हुई है। तो मित्रों क्रिया शब्द की जो शुद्धि होती है वो क्रिया के आधार पर होता है, क्रिया या विशेषण के आधार पर हम लिंग का चयन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, एक बार हम आपको पुनः दिखाने की कोशिश करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनकी ज़्यादातर आने की संभावना है। तो आइए देखें निम्नलिखित में से किन में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वाहनारूढ़ आपका सही आंसर होगा, पापी में कौन सा विशेषण है गुणवाचक विशेषण? तो आइए उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, उपमा अलंकार, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, भरत मुनि का कथन है। तो आइए देखते हैं मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में। उल्का सी रानी एक बार फिर से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपमा अलंकार, उल्का सी रानी।
चांद का मुंह टेढ़ा, आपका मुक्तिबोध की रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। मित्रों नमस्कार।